हेलो एवरीवन, कैसे हो। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं टोटल आपको 4 कंसेप्चुअल ट्रिक्स देने जा रहा हूँ, जिससे आप पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से आने वाले किसी भी प्रॉब्लम को विद इन 20 सेकेंड में कर लोगे, और वो भी करेक्ट। तो ध्यान से देखिए, पॉइंट नंबर 1 कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ही दूसरा नाम है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, राइट। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैसे डिफाइन करेंगे, तो उसमें 3 पॉइंट का ध्यान रखना आपको कि इलेक्ट्रॉन इन होगा इस केस में, डैट मीन्स आपको इंटर कराना है कहाँ, लास्ट सेल में, ओके। पॉइंट नंबर 2, जो एटम लेना है वो आइसोलेटेड होना चाहिए, राइट, एंड गैस फेज में होना चाहिए। पॉइंट नंबर 3, जो एनर्जी होगी वो आउट होगी, डैट मीन्स रिलीज होगी। तो जनरली ये वर्ड मैंने लिखा है कि जनरली फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जब आप पहला इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल एटम में इंटर कराते हो तो एनर्जी रिलीज होती है। जनरली कहीं कहीं पे पॉजिटिव भी हो सकता है, और चूंकि एनर्जी रिलीज होती है तो इसलिए एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा जनरली, वो भी फर्स्ट वाला, राइट। तो इसलिए डेल्टा एच निगेटिव होगा। तो ये हो गया पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, उसी पॉइंट को कि डेल्टा एच ई जी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सेकेंड थर्ड फोर्थ एंड सो ऑन, जब आपने एक इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल एटम में इंटर करा लिया, उसके बाद फिर अगर इंटर करा लो तो ऑलवेज पॉजिटिव, डैट मीन्स इंडोथर्मिक होगा, आपको एनर्जी देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखो ध्यान से, जैसे ऑक्सीजन में एक इलेक्ट्रॉन इंटर कराया तो ओ माइनस बना, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, क्योंकि न्यूट्रल एटम में हमने इंटर कराया, तो डेल्टा एच ई जी इसका नेगेटिव होगा, डैट मीन्स एनर्जी रिलीज होगी। बट अब ओ माइनस में अगर मैं इलेक्ट्रॉन इंटर कराऊँ तो ओ माइनस टू बनेगा, दिस इज कॉल्ड सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, अब ये पॉजिटिव होगा। क्यों हुआ? क्योंकि ये भी माइनस, राइट, अनायन हो गया, इलेक्ट्रॉन भी माइनस है, तो माइनस माइनस चार्ज अपने आप तो पास में आएंगे नहीं, आपको वर्क करना पड़ेगा क्योंकि रिपल्सन होगा, तो इसलिए ऑलवेज एनर्जी देनी पड़ेगी पॉजिटिव। तो इसलिए इस पॉइंट का ध्यान रखेंगे, सेकेंड थर्ड फोर्थ ऑलवेज पॉजिटिव, जबकि आयनस एनर्जी ऑलवेज पॉजिटिव था, इंडोथर्मिक था। ट्रेंड की अगर बात करें तो वेरी सिंपल, लेफ्ट टू राइट जाने पे इंक्रीज होगा, बट साइन का यहाँ पे ध्यान रखना है, इसलिए नेगेटिव साइन में मैं बात कर रहा हूँ, नेगेटिव वैल्यू को कंसीडर करते हुए तो लेफ्ट टू राइट में वैल्यू इंक्रीज होगी और टॉप टू बॉटम में डिक्रीज होगी। अगेन यहाँ पे याद रखने के लिए वही सेम पॉइंट, टॉप से बॉटम कम हो रहे हो तो डिक्रीज होगी। ये बिल्कुल ट्रेंड वही है जो आयनाइजेशन एनर्जी का है। कहाँ कहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होगी? नोबल गैस के केस में, क्योंकि ऑलरेडी उसका ऑक्टेट कंप्लीट है। कहीं पे हाफ फील्ड, जैसे नाइट्रोजन के केस में फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है, तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होगी फर्स्ट वाली, ये ध्यान रखना, और बाकी सब तो पॉजिटिव होगी क्योंकि वो ऑलरेडी क्लियर है। मेटल के केस में ऑलवेज मेटल इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, अगर उसको इलेक्ट्रॉन आप इंटर कराओगे तो डेफिनेटली उस केस में पॉजिटिव होगा। जनरली ये जो हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करते हैं वो नॉन मेटल के लिए, क्योंकि नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। पॉइंट नंबर 3, डेट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे बच्चे कन्फ्यूज रहते हैं, आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दोनों एक ही बात है, सिर्फ साइन का डिफरेंस है। अगर ये पॉजिटिव होगा तो ये नेगेटिव होगा, और ये नेगेटिव होगा तो ये पॉजिटिव होगा, इसलिए सिर्फ साइन चेंज होंगे, वैल्यू वही रहेगी। जैसे फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है? जनरली नेगेटिव, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। और रेस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है? पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगा? नेगेटिव, वैल्यू वही रहेगा, सिर्फ साइन चेंज होगा, इसलिए ये ध्यान रखना है। पूरे पीरियोडिक टेबल में क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा है। अब इसका कहने का क्या मतलब है कि हम माइनस साइन को इग्नोर कर रहे हैं, राइट, क्योंकि जितना ज़्यादा नेगेटिव उतना कम होता है, तो क्वेश्चन में जनरली हम नेगेटिव साइन को इग्नोर करते हैं। कभी कभी क्वेश्चन को केयरफुली रीड करना, अगर साइन के साथ बात कर रहा है तो फिर चीज़ें उलट जाएंगी, राइट। तो पूरे पीरियोडिक टेबल में क्लोरीन का हाइएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, दैट मीन्स वी आर इग्नोरिंग नेगेटिव साइन। एंड पॉइंट नंबर 4, डैट इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डैट इज ऑल अबाउट एक्सेप्शन, और जितना लिखा हूँ बस इतना ही ध्यान रखना। ग्रुप नंबर 17 में एक्सेप्शन है, यू नो डाउन द ग्रुप जाने पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज होना चाहिए, राइट। तो फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्ट्रिटिन, ऐसे आना चाहिए, बट क्लोरीन फ्लोरीन से आगे आ गया, डैट इज एक्सेप्शन, और इनफैक्ट पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा है। बाकी एज यूजुअल ऑर्डर है, बाकी में कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ क्लोरीन को 17 ग्रुप में आगे कर देना है। 16 ग्रुप में बहुत ज़्यादा एक्सेप्शन है, राइट, सल्फर सबसे ज़्यादा आया, डैट इज ओके फाइन। उसके बाद सेलेनियम, टेलोरियम, पोलोनियम, ऑक्सीजन सबसे पीछे चला गया, ये ध्यान रखना। तो 16 ग्रुप में इस टाइप का ऑर्डर है, और विथ नेगेटिव साइन वी आर कंसिडरिंग। सिमिलरली 18 ग्रुप में भी प्रॉब्लम है,
और वहाँ पे नियॉन का सबसे ज़्यादा है, फिर आर्गन, क्रिप्टन का ऑलमोस्ट सेम है, ज़ेनॉन, रेडॉन और हीलियम, और ये पॉजिटिव साइन की बात कर रहा हूँ, विद पॉजिटिव साइन है। क्यों? क्योंकि नोबल गैस है तो एनर्जी देना पड़ेगा। और सिमिलरली 15 ग्रुप में भी एक्सेप्शन है, राइट, एंटीमनी, बिस्मथ, आर्सेनिक, फॉस्फोरस और नाइट्रोजन यहाँ पे हैं, तो ये पॉजिटिव साइन में हम लोग बात कर रहे हैं। तो आपको कहाँ कहाँ पे ध्यान रखना है, ध्यान दो तो 15 ग्रुप, 16 ग्रुप, 17 ग्रुप एंड 18 ग्रुप, क्योंकि यही नॉन मेटल या नोबल गैस वाले हैं, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे एक्सेप्शन है। 15 में कैसा एक्सेप्शन है कि डाउन से ही मतलब पूरा ऑर्डर चेंज हो गया, क्योंकि हम पॉजिटिव साइन की बात कर रहे हैं तो ऑर्डर ही चेंज हो गया। नाना पाटेकर, ऐश्वर्या सब बीमार, ऐसा था उसका निमोनिक्स डाउन द ग्रुप जाने का, तो एंटीमनी पहले आ गया, फिर बिस्मथ आया, फिर ये, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, राइट। सिमिलरली आपको 18 ग्रुप पे भी ध्यान रखना है, 16 ग्रुप में सल्फर तो आगे आया, ठीक है, बट ऑक्सीजन सबसे पीछे चला गया। तो एक पॉइंट का ध्यान रखना है आपको कि ये जो आपका 16 ग्रुप है और 17 ग्रुप है इसमें, या फिर 15 ग्रुप, ये आप कह सकते हो 15, 16, 17 में एक बात क्लियर है कि जो सेकेंड पीरियड वाले हैं उसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम है किससे, उसके थर्ड पीरियड वाले से। डैट मीन्स 15 में जैसे बात करें तो फॉस्फोरस का ज़्यादा नाइट्रोजन से, जबकि उल्टा होना चाहिए था, वैसे 16 में सल्फर का ज़्यादा ऑक्सीजन से, इतना भी कम से कम ध्यान रखना, और 17 में क्लोरीन का ज़्यादा फ्लोरीन से, एटलीस्ट इतना तो आपको ध्यान रखना है, ये एक्सेप्शन है। तो आई होप ये क्लियर होगा। अब हम एप्लीकेशन की बात करेंगे। नाउ एप्लीकेशन क्वेश्चन नंबर 1 में इनकरेक्ट ऑप्शन फॉर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और बच्चे को पहला ऑप्शन ये देखता है, राइट, क्योंकि उसको मालूम होता है क्लोरीन का ज़्यादा होता है फ्लोरीन से, और वो इस ऑप्शन को टिक करके आ जाते हैं। बेटा यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग थिंक करना है। अगर मान लो तुम कह रहे हो ये इनकरेक्ट है, तो फिर ये भी इनकरेक्ट होगा और ये भी इनकरेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि आयोडीन का ज़्यादा होता है एस्टेटिन से और टेलेरियम का ज़्यादा होता है पोलोनियम से, विथ नेगेटिव साइन अगर कंसिडर करेंगे, और यहाँ पे सिंगल करेक्ट है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप रॉन्ग हो। तो कभी कभी हमें ऑप्शन से समझ में आता है कि हमें साइन लेना है या नहीं लेना है, तो यहाँ पे विथ साइन आपको कंसिडर करना पड़ेगा, क्योंकि अगर विदाउट साइन ले लिए तो फिर आपको तीन ऑप्शन करेक्ट होंगे। तो विथ साइन लेंगे तो फ्लोरीन ज़्यादा होगा क्लोरीन से, क्योंकि नेगेटिव में जितना कम वैल्यू होता है उतना ज़्यादा होता है, तो ये करेक्ट हो जाएगा, फिर ये भी करेक्ट हो जाएंगे, फिर ये भी, तो इसलिए इनकरेक्ट कौन होगा? ये, क्योंकि नेगेटिव में सल्फर का ज़्यादा है तो वैल्यू कम होगी, तो इसलिए ये वाला रॉन्ग होगा, तो ऑप्शन बी। तो इस पॉइंट को क्लियरली समझ लेना। क्वेश्चन नंबर 2 में इस टाइप से दे दिया कौन सा करेक्ट ऑर्डर है, तो अगेन ऑप्शन से। अब यहाँ पे ध्यान से देखो तो क्लोरीन का सबसे ज़्यादा होगा नेगेटिव में, क्योंकि अब यहाँ पे कुछ नहीं बोला है, तो विथ नेगेटिव साइन आपको कंसिडर करना पड़ेगा, और फिर फ्लोरीन का, फिर टेलेरियम का, फिर पोलोनियम का, तो ऑप्शन बी, क्योंकि आपको बता रखा हूँ वेरी सिंपल है। 17 ग्रुप जो है, 17 ग्रुप जिसमें कौन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, ये है डाउन द ग्रुप में। तो इसमें हमने बोला कि इसमें एक्सेप्शन क्या है, सिर्फ क्लोरीन को आगे कर लेना, बाकी एज यूजुअल है, क्योंकि वी नो डाउन द ग्रुप डिक्रीज होता है, तो ये जो है वो विथ नेगेटिव साइन है, इस बात का भी ध्यान रखना है। सिमिलरली 16 ग्रुप में ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेरियम, पोलोनियम, ये हैं, राइट। अब इसमें क्या एक्सेप्शन है, सल्फर तो सबसे पहले आ जाएगा, उसके बाद यहाँ से स्टार्ट करना है सेलेनियम, टेलेरियम, पोलोनियम, और लास्ट में आपको ऑक्सीजन करना है। ध्यान दें ये भी विथ नेगेटिव साइन है, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे 17 और 16 में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसलिए यहाँ पे जो हमारे पास ऑप्शन था, क्लोरीन ज़्यादा होगा फ्लोरीन से, और टेलेरियम पोलोनियम में आप देख सकते हो टेलेरियम ज़्यादा होगा पोलोनियम से, तो ये ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे। तो ये वाला नहीं हो पाएगा, राइट, और बाकी भी नहीं हो पाएंगे, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 में बोली दिया एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब विथ पॉजिटिव साइन, तो नेगेटिव का आप झंझट ही खत्म हो गया। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फॉर हैलोजन, तो हैलोजन के लिए अभी आपको बताया क्लोरीन होगा, फिर फ्लोरीन होगा, फिर ब्रोमीन, आयोडीन, तो ये हैं, तो इसलिए इन दोनों को अच्छे से समझ लेना। मैंने कैसे डाउन द ग्रुप लिख दिया, आपको थर्ड पीरियड वाले को आगे कर देना है, और इसमें बाकी एज यूजुअल ऑर्डर है, जबकि इसमें पूरा इधर से पहले लास्ट में ऑक्सीजन आता है, इस पॉइंट का ध्यान रखना। सिमिलरली यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, देखो फिर से आ गया डेल्टा एच इजी ऑर्डर, तो अभी आपको बताया 16 ग्रुप में कैसे करना हमें, तो सल्फर तो सबसे ज़्यादा होगा, फिर सेलेनियम, फिर टेलेरियम, फिर ऑक्सीजन, इसमें सबसे ज़्यादा एक्सेप्शन था, इसलिए इसको ध्यान रखना है। थर्ड पीरियड वाले को आगे किया, उसके बाद ये पहले नीचे वाले, ऑक्सीजन सबसे लास्ट में। अगेन यहाँ पे हम कैसे ले रहे हैं, विथ नेगेटिव साइन, बाय डिफॉल्ट नेगेटिव साइन होता है, सिर्फ कभी कभी ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको थिंक करना पड़ेगा, अदरवाइज वो बोल देगा कि आपको
साइन लेना या नहीं लेना, कुछ नहीं बोला तो साइन के साथ कंसिडर करना, इस बात का ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कौन इंडोथर्मिक नहीं है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, इंडोथर्मिक मतलब एनर्जी हमें देना पड़ेगा, तो यहाँ पे नोबल गैस है, इलेक्ट्रॉन इंटर करा रहे हैं तो देना पड़ेगा। यहाँ पे नॉन मेटल हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन इंटर, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, तो ये एक्सोथर्मिक होगा, ये इंडो नहीं होगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑलवेज इंडोथर्मिक, आयनाइजेशन एनर्जी ऑलवेज इंडोथर्मिक, तो इसलिए इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में इस तरीके से ये पेयर गिवन था और पूछा जा रहा था कि किसमें ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगा इलेक्ट्रॉन गेन होने पे। तो यू नो कि इन दोनों में क्लोरीन में ज़्यादा होगा, इन दोनों में ध्यान दें सल्फर में ज़्यादा होगा, और इन दोनों में लिथियम में, तो क्लोरीन सल्फर लिथियम वाला ऑप्शन बी है। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑक्सीजन का नेगेटिव है, डेट इज ओके, राइट, नॉन मेटल है। इसका सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, बता रखा हूँ, तो ये ऑप्शन हो नहीं सकता था, ऑलमोस्ट सेम, नेगेटिव तो होगा नहीं, नेगेटिव होगा नहीं, तो इस टाइप से पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में, करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ध्यान दें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब विथ पॉजिटिव साइन लेना है आपको, तो यू नो क्लोरीन का नेगेटिव में सबसे ज़्यादा है, तो पॉजिटिव करेंगे तो वो वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, तो क्लोरीन सबसे ज़्यादा, फिर फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 9 में, कि अगर आयनेशन पोटेंशियल इतना है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इसका कितना होगा, तो ध्यान दें यहाँ पे ये आयंस बन चुका है, इसको इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, न्यूट्रल एटम बनना चाहेगा तो एनर्जी रिलीज होगी, तो रिलीज होगी तो माइनस वाला होगा, और अगर निकालने में 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर देना पड़ रहा है तो ऐड करने में वही उतना ही देना पड़ेगा, राइट, तो वो चेंज नहीं होगा, सिर्फ साइन चेंज होंगे, तो इस बात का ध्यान रखना है, इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नाउ ज्ञान की बात, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर आप ध्यान से देखो, ऑक्सीजन के नीचे सल्फर आता है, फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन, तो ये सेकेंड पीरियड वाले हो गए और ये थर्ड पीरियड वाले, तो थर्ड पीरियड वाले का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू ज़्यादा होता है सेकेंड पीरियड वाले से, इन दो केस में, ये हो गया 16 ग्रुप और ये 17 ग्रुप में, ये ध्यान रखना, तो इसलिए सल्फर का ज़्यादा ऑक्सीजन से और क्लोरीन का ज़्यादा फ्लोरीन से, विथ नेगेटिव साइन की बात कर रहे हैं, अगर आप साइन के साथ ले लोगे तो चूंकि नेगेटिव में ज़्यादा है, तो अगर ऐसे कंसिडर करें तो ये वैल्यू फिर कम हो जाएगी, तो जो आपको बता रखा हूँ कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग थिंक करना है, तो इस पॉइंट का ध्यान रखेंगे, राइट। और सिमिलरली यू नो 17 ग्रुप में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टिटीन, डाउन द ग्रुप जाने पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज होती है, बट यहाँ पे पॉइंट क्या आपको मालूम है कि क्लोरीन सबसे आगे आ जाएगा, तो सबसे ज़्यादा क्लोरीन का होगा, फिर एज यूजुअल ऑर्डर, अगर अब मान लो कि क्लोरीन नहीं है अब, तो एज यूजुअल ऑर्डर फ्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, फिर एस्टिटीन, ये हो जाएगा, इसको ऐसे याद रखेंगे। 16 ग्रुप में अगेन सल्फर का ज़्यादा होगा, तो सल्फर हो गया, राइट। अब मान लो सल्फर नहीं है, तो यहाँ पे कैसा था, फ्लोरीन उसका ज़्यादा था, इसका मतलब ये भी नहीं है, इसमें और भी एक्सेप्शन है, ये नहीं है, उसके बाद ये वाला लिख देना है, तो सिलेनियम, टेलेरियम, पोलोनियम, उसके बाद आपको ऑक्सीजन लास्ट में लिखना है, तो ये ध्यान दें, ये विथ नेगेटिव साइन हम ले रहे हैं, ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए, तो यही याद रखना है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन 99% यहीं से आएंगे। तो आई होप मेरा यह प्रयास आपको पसंद आया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बात करेंगे मेटालिक कैरेक्टर एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में। थैंक यू।